थाने में दिए आवेदन पर कार्रवाई न होते देख शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से कानूनी कार्रवाई का किया आग्रह। विरनी प्रखंड के ब्रह्मसिया स्थित इम्पोरियल पब्लिक स्कूल में शिक्षक द्वारा 9वीं की छात्रा को बेरहमी से पीटे जाने की घटना सामने आने के बाद छात्रा के पिता प्रेम प्रकाश साव ने बीते बुधवार को बिरनी थाना में लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया था, जिसके बाद गुरुवार से ही विद्यालय परिवार छात्रा के पिता पर आवेदन वापस लेने का दबाव बना रहे थे। कहा विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें फोन कर दबाव बनाया जा रहा है। विद्यालय का फोन नहीं उठाने पर उसके रिश्तेदारों द्वारा फोन कर दबाव बनाया जा रहा है। पिता प्रेम प्रकाश साव ने बताया कि गुरुवार को वह फोन से इतना हो गया था कि उनका बीपी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले गए। प्रेम प्रकाश ने बताया कि थाने में आवेदन दिए 2 दिन बीत गए परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती रही। सरिया बगोदर SDPO कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने देश की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिला शिक्षा अधिकारी सहित जिला बाल कल्याण पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आप लोग से अनुरोध है, सभी मीडिया भाई से मेरा अनुरोध है कि नम्र निवेदन है प्रशासन से भी, यहाँ के शिक्षा विभाग से भी, कि हमारी बच्ची के साथ में जो मारपीट का मामला हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द उस अपराधी को अरेस्ट किया जाए। और हमको स्कूल परिवार की तरफ से, स्कूल संचालक डायरेक्टर प्रिंसिपल की तरफ से हमको धमकी भरा शब्द दिया जा रहा है, हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप अपना आवेदन वापस लें वरना हम आपके परिवार को बर्बाद करके रख देंगे। अगर मेरा हम बीपी पेशेंट है, अगर मर भी गए मेरा मृत्यु भी हो जाता, इसका जिम्मेवार इंपीरियल पब्लिक स्कूल के पूरा परिवार संचालक होगा। कौन फोन कर रहा है आपको? अब हमको हमारे रिश्तेदार द्वारा फोन कराया जा रहा है। हमारे रिश्तेदार, हम फोन उनका नहीं उठाते हैं, उनका रिसीव नहीं करते हैं, तो हमारे परिवार द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा फोन करके हमको बुलाया जा रहा है। हमको बोला यहाँ आइए, वहाँ आइए, हम किस लिए जाएं? हम कैसा जुर्म किए जो हम जाएंगे उसके कहने के अनुसार? कि उनका हम मतलब कि कोई किसी का नौकर है? क्या कहा जा रहा है? अब क्या कहा जा रहा है? जब इतना मामले को सलट लिया, हम किस मामले को सलट लें? जिस समय सलटना था उस समय नहीं सलटा। तो अभी तक थाना से क्या कार्रवाई? कुछ थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आवेदन कल ही दिए गए। हम तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करें भाई, नहीं जाके थाना में धरना दे, DC में ऑफिस में जाके धरना दे, SP के पास जाए, शिक्षा विभाग में जाए, यहाँ अभी शिक्षा प्रभारी कौन है उनके पास जाके धरना देते।